अस्सलाम वालेकुम जी। रानी दा ढाबा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सारियां नूं जी आयां नूं जी वेलकम करनी है। ते अज असीं तुहाडे नाल चटनी दी रेसिपी लै के हाज़र होए हाँ जी। नवीं एक रेसिपी जिहड़ी मैं क्या अपने सारे भैन भाइयों नाल शेयर करां, अखरोट वाली चटनी। ते उम्मीद है सारियां नूं पसंद आएगी। ते इहदे लई मैं लईआं ने दो मिर्चां, दो सब्ज़ मिर्चां लईआं ने मैं, और एक टमाटर लिया, थोड़ी जी दही ते एक अखरोट दी गिरी। तो तुसी साड़ी रेसिपी वेखण वास्ते साडे नाल रहना है। तो इस रेसिपी का पूरी तरह सारी मैं दस भी दियां कि ज़्यादातर सिंध वाली साइड ते बनाई जाती है ते और बहुत पसंद की जाती है। एक मज़ेदार बनती है रेसिपी। ये चीज़ां कड़ियां कड़ियां ने, एक विखा दे सारियां ने। दो सब्ज मिर्चा लिया ने इन्दे और वास्ते की जी, लिया है? और टमाटर टमाटर एक लिया, दरमियाने साइज़ का, जिन्हों मैं दो हिस्सों च कर लिया है कि छिलका इनका उतार लिया है। उतार के तो नरम नरम बीज भी लैदा कर दिते ने और बाकी लैदा कर लिया। एक अखरोट वाली गिरी ली ते और थोड़ा जहा दही लिया ते सब्ज़ धनिया लिया थोड़ा जहा, जिन्हों अच्छी तरह धो के तो मैं टोकरी च पा लिया। तो यह मिर्च हूँ बरीक बरीक मैं कटांगी। हाँ जी, सब्ज़ मिर्च मैं कर ली ज़रा क बरीक, तिखी बहुत ज़्यादा सी मिर्च। यह धनिया पा लिया मैं नाल, पा ली अखरोट की गिरी, इनू असी हूँ बरीक कर लाँगे तो फिर उस तो बाद पा लाँगे टमाटर। यह टमाटर जेडे मोटा मोटा छिलका इनका उतार के तो ज़रा के सख्त होंदा इनू पा लिया मैं नाल। तो तुसी सोच रहे होंगे कि अस तो पंजाब के रहन वाले हैं तो चटनी कितों आई। ये कोई अज तो किन्ने साल पहले रहे सी डेरा नवाब? तुसी 10-12 साल? 10-12 साल पहले एक्यूट बाबा का ट्रांसफर डेरा नवाब होया सी ते असी गए सी इन्हां दे पिछे ना। तो जेड़े इन्हां दे मालिक मकान सन उन्होंने नाल ही इन्हां दा घर सी किराएदार, उन्हां कोल ही गया सी मालिक मकान जेड़े नाल सन, उन्होंने साडी दावत कीती सी ते उन्होंने बनाई सी चटनी। उस बाजी को मैं पूछे बहुत मजे की चटनी। यह हूँ जो अंदरों इन्हें कढ़िया नरम नरम बीज वो पा लो, पहले इसलिए नहीं पाए कि छिट्टे बूट पै जाते। बेजायका नमक, नमक आने इन हो भी जाएगा वो इसलिए कि दही पानी है। पहले मैं उस राही कटा थोड़ी जी चटनी ना इन्हों, तो तुम भी जरूर ट्राई करना, बहुत मज़ेदार है चटनी, बहुत जबरदस्त। और ये भी वेखो कि नाल ताकत का खजाना भी। हेलो जी, हूँ असं पा देंगे दही, इन करा मिक्स, हाले जाना कितने नहीं, नाश्ता भी करा और नाल ही नाल इधर बंद कर। लो जी, अखरोट की चटनी तैयार हो गई जे। एक है दही वाली है तो एक बगैर दही तो। इस तो बाद जिहड़ा ना मूली वाला पराठा, जदों मूली वाला पराठा जिहड़ा ना आटे दे विच ही मूली मतलब जिहड़े ना मिक्स करके तो गुन्निया, ये पका के तो असीं हुण खावांगे तो फिर तुहानूं दस्सांगे भी कैसा मज़ा रहा इहदा। जी नाश्ता तैयार हो गया। वेखो यह लस्सी है, यह अखरोट वाली चटनी जिद ज दही पाइए तो यह बगैर दही तो है, ये भी अखरोट की चटनी है। यह सालन है सुंड वाला, सुंड वाला सालन, यह दही है,
ਤੇ ਇਹ ਮੂਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰਾਠਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਧਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬਣਾਇਆ ਜੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਚਟਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਣ ਹੈ ਆਲੂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲਾ, ਸੁੰਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਸੁੰਡ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਲਣ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।